ताशाले बीजेपी ने हस्ते एश मुर्सा ने प्रेसिडेंट लाल सिंह आर्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सरनाइजक रोग ने तंग थायो थांगई गुरु हुई नाइका आरो थांगई रंग सरनाइजक ते नाइकों लाई रोग बाई बकौक लाम शाले फाइका बो मंत्री बकर नरेंद्र मोदी ने आसिमा शालन ते ने एश मुर्सा ने बखाकते ने हाकोते ने बोस्ती ते हॉस्टेल नो खोबई तपशिली जाति रोग ने बिजन तीन कैसे हम करानी बागे सिनेची शाल रोमई सामन खलाई जगह तंगो आमनो नाशिकई न सरनाइजक रोग ने तंग थायो थांगा लाल सिंह आर्या मोर्चा पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देश पर और उनकी घोषणा के मुताबिक 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से 26 नवंबर संविधान दिवस तक 70 दिवसीय बस्ती संपर्क अभियान कर रहा है। पूरे देश में 75,000 बस्तियों तक एससी की बस्तियों तक हम पहुंच रहे हैं। 7,500 एससी के हॉस्टल तक हम लोग जा रहे हैं। बस्ती में और हॉस्टल्स में हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के केंद्र सरकार की हमारे स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं की जानकारी देना, कोई सजेशन है तो लेना, कोई तकलीफ है तो उन दिक्कतों को दूर करने के प्रयास करना और सभी हॉस्टल्स जिन बस्तियों में है वहाँ हम दो कार्यकर्ताओं को डेप्यूट कर रहे हैं ताकि छात्रावास में बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं में कोई कमी ना हो। अनुसूचित जाति के 100 मतदाताओं पर भी हम दो कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर रहे हैं ताकि एससी की बस्तियों में आने वाली कोई परेशानी या दिक्कत हो तो उनका समाधान करने के लिए हमारे एससी के कार्यकर्ता आगे बढ़कर सेवा का काम करें। ये बस्ती संपर्क अभियान पूरे देश में चल रहा है। हम एससी के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से भी कंटिन्यू संपर्क कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, वन टू वन भी कर रहे हैं, सामूहिक रूप से भी कर रहे हैं। कल भागीदारी भवन उत्तर प्रदेश लखनऊ में हमने लगभग 25-26 उद्योगपति थे, डॉक्टर से, प्रोफेसर से, रिटायर्ड आईएएस से, उनसे बातचीत की है और अभी तक 32,000 से ज़्यादा एससी की बस्तियों में पूरे देश में संपर्क हो चुका है और उसी बस्ती संपर्क अभियान के तहत आज अगरतला के हॉस्टल्स में बच्चों से मिलने के लिए आए हैं।